हेलो दोस्तों, डीएस टेक्नोलॉजी 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएफ बैलेंस कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल से पीएफ बैलेंस चेक करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। अब दोस्तों, आपको पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर किसी भी एक सर्च बार को ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउजर किसी भी एक सर्च बार को आपको ओपन करना है। सर्च बार को ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करना है आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल। यहाँ पे आपको सर्च करना है ईपीएफओ, यहाँ पे आपको सर्च करना है मेंबर पोर्टल। ईपीएफओ मेंबर पोर्टल सर्च करने पर दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ईपीएफओ मेंबर पासबुक, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पर। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका यूएन नंबर टाइप करना है, आपका जो भी यूएन नंबर है यहाँ पे आपको डालना है। बाद में जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे आपको डालना है। जो ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड इस बॉक्स के अंदर डालना है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल आपको डालनी है। ये डिटेल डालने के बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है। और दोस्तों, आपको यूएन नंबर और पासवर्ड भी पता नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपना पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे ये सारी डिटेल डालनी है आपको। इस तरह से आपको यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है। और दोस्तों, आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है, कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये रिप्लेस वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप कैप्चा चेंज भी कर सकते हो। और दोस्तों, आपको कैप्चा यहाँ पे डालते समय ध्यान रखना है, कैप्चा यहाँ पे कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है, डिजिट में है तो डिजिट में, और स्मॉल में है तो स्मॉल में। इस तरह से आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल अवेलेबल बैलेंस, जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस है यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो। जो भी आपका पीएफ का बैलेंस है यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये सारी प्रोसेस होगी एक पीएफ का बैलेंस चेक करने। और दोस्तों, आपको एडवांस पीएफ निकालना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप एडवांस पीएफ भी निकाल सकते हो। और दोस्तों, आप अपना यूआर नंबर या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो मैं इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।